Sorry, sir, मुझे muscles problem है जल्दी so. okay, 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 no, no, uh, नहीं थोड़ा वो जल्दी में थोड़ा वो हुआ था इसलिए okay, okay, okay. <laughs> <laughs> मैंने रणवीर सर से पूछना है oh. एक, uh, hello, sir. Uh, आपने सिम्बा की थी अभी ये दूसरी फिल्म है तो मुझे ये पूछना है कि uh, रोहित सर में आपने ऐसी कौन सी बात देखी मतलब जो खुबी जो आपने देखी पर्सनल आपने जो नोट किया हो उनमें एक जो भी आप आपने अभी तक ना बोला हो दीपिका के बाद ऐसा लग रहा है सब <laughs> तीसरी फिल्म है रे तीन की है तीन की है तीसरी ये अभी थ्री ऑफ वेरी मेनी आई होप सो मैं इनमें क्या खूबी ढूंढूंगा यार मेकर ये है। ये मुझे ढूंढ के मुझे अपनी पिक्चर में डाला ये मेरे लिए बड़ी बहुत बड़ी बात है मैं उनकी पिक्चरों का फैन रहा हूं इतने सालों के लिए तो फाइनली जब इनके साथ काम करने के लिए मौका मिला इट वॉज़ अूज डील फॉर मी आई एम सो ग्रेटफुल कि हमारी पहली पिक्चर इतनी बड़ी हिट गई आवर कोलेबरेशन इज़ वेरी स्पेशल टू मी बिकॉज़ एक होता है ना डायरेक्टर एक्टर ड्यूओ जोड़ी जिसे कहते हैं ये मेरे लिए और मेरी ज़िंदगी में डायरेक्टर एक्टर रिलेशनशिप से और बढ़ के हो गया है अब ये मेरे बड़े भाई जैसे हैं तो आई फील लाइक रोहित शेट्टी पिक्चर्स इज़ माई फैमिली एंड आई फील लाइक रोहित बिग ब्रदर दैट आई विरे रोहित आपने तो बोला था कि आपने जान बुझके मेरे साथ किया अच्छा तो अभी नेक्स्ट है रीमा फ्रॉम ओटीटी प्ले हिंदुस्तान टाइम्स यानी प्लीज है Anyway, my question, uh, Rohit sir, uh, because your name now has the dire uh, blockbuster director's tag uh, attached to it, so how much pressure do you feel before every release? And uh, because the audience is expecting the best out of you, and plus you bring all the best people on screen, so how do you? Actually, take most it? of them are from all the best. <laughs> <laughs> how do you take the pressure? i think it's due, it's not a i i don't take it as a pressure it's a responsibility i feel so, uh, when we start the film when we are writing the film when we are shooting the film it's always audience in mind that they will come with an expectation so all you can do is work hard so there's no pressure but i take it as a responsibility thank you thank you, you. sir <laughs> so, sir you know, when जब सूर्यवंशी अटकी हुई थी <laughs> <laughs> दो साल कोविड <laughs> के वक्त बनाई पूरे हमारे जो टीम थी वो घर पे थी तो ये था कि क्या करेंगे कब तक वेट करेंगे ना पता ही नहीं था थिएटर का सर, ऐसा होता है मतलब थोड़ा वेट होता है पिक्चर बना देते हो सर अभी मतलब सर आप आगे चल रहे हो ना आप तो आगे चल रहे होगे ना अभी सर वो जो गैप आया सर्कस बना ली अभी दो दिन पिक्चर आप बना ली होगी अभी ऐसा थोड़ी है अरे क्या बात कर रहे हो सर ये ऐसे ही रोहित सर की ये बात है एकदम छुपे होते हैं अचानक से आते हैं और वैसे पिक्चर या तो ऐसे बॉम्ब फोड़ते हैं कि देखो अभी ये आ रहे हैं है ना सर ऐसा कुछ नहीं अच्छा ये, ये जवाब देते ओके आई वुड लाइक टू कॉल नीलिमा कुलकर्णी फ्रॉम रिमोट मराठी ऑन स्टेज वा वो रेडी बैठी थी सिद्धर जा कम डाउन होगा हेलो नीलिमा जी Hello, जय महाराष्ट्र जय महाराष्ट्र एक तो ट्रेलर ऑसम है बहुत मतलब बहुत अच्छा लग एक स्टेप आ गया yes. हाँ, वो H4. ट्रेलर बहुत ज्यादा ऑसम है मैं देखो मैं भी ट्रेनिंग करके आई हूं आपके साथ तो यस आई लव इट एंड रणवीर आई लव यू एंड मतलब Hello. सब uh, सबको मुझे बस एक क्वेश्चन uh, यही पूछना है रणवीर सिद्धार्थसाठी मला एक विचारायचं की सिद्धार्थ तुझा आणि रणवीरच बॉन्डिंग आम्ही सगळ्यांनी आणि हा बॉन्डिंग कधीही स्टार्ट झाला होता काहीतरी असं एक मॅजिकल त्या बॉन्डिंग ची सुरुवात रोहित शेट्टी सरांपासूनच झाली आहे कारण सिम्बाला सरांनी जेव्हा कास्ट केलं होतं मला तेव्हा मला चांगलं आठवतं दोन दोन पाच जून तारीख होती आणि रणवीर सरांनी मी एकाच फ्लाईटमध्ये होतो आम्ही एकत्र हैदराबादला गेलो होतो आणि तेव्हा रणवीर सर ज्या पद्धतीने भेटले आम्ही एक सेल्फी काढला आणि ज्या पद्धतीने म्हणजे ते किती मस्ती करत असेल तरी ते घाबरतात रोहित सरांना मी पण घाबरतो पण आमच्या दोघांचं एक छान बॉन्डिंग आहेत इम्प्रुव्हायजेशन करणं सुचणं हे खूप छान या माणसाला जमतं आणि बिंदासपणे डिरेक्टरला जाऊन सांगणं की हमने कुछ किया है जरा देखलो मग रोहित सर म्हणायचे नाही नाही कुठे अलग सोच चलो चलो भाई चलो 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 निकलते तर मला वाटतं जो उत्साह आहे ना दोघांमध्ये आणि शिकण्याची वृत्ती म्हणजे रोहित सर करेक्ट बोलले की एकदा कॅरेक्टरमध्ये घुसले ना ते की म्हणजे वैदई परशुरामीचा सीन आहे मला चांगला आठवतो आहे आणि रोहित सरांच्या सेटवर काय असतं जैसे हां हिंदी बोल हिंदी बोल हां रोहित सर के सेट पे क्या होता है जब ओ, कोई सीन वैसे होता है वैसा माहोल होता है तो वैदेवी परशुरामी का वो डेथ सीन था तो पूरा म्हणजे एकदम शांतता होती यार आणि हा माणूस कोपऱ्यात बसून होता आणि ते डिलिव्हर केलं त्यांनी ते कमाल केलंय सो so, मला वाटतं की शिकण्याची वृत्ती आणि डिरेक्टरचा ॲक्टर त्यामुळे आणि तो को आर्टिस्ट बाप आहे मी सगळ्यांना सगळे मान्य करतील की तो तो स्टार असला तरी को आर्टिस्ट म्हणून कमाल आहे तो सर मला वाटतं ते कनेक्शन खूप छान आहे म्हणजे वो कनेक्शन मेरा रणवीर सर के साथ आहे की दिल खोल के दोस्ती करेगा दिल खोल के करेगा और ॲक्टिंग करेगा तो चप्पड फाडके करेगा बाय

<laughs> uh, क्या बोलू मैम बहुत जबरदस्त गाना है uh, बहुत जबरदस्त हाई हाई ऑक्टेन वोल्टेज हैोल्टेज okay, चार्जक्शन बताओ उस 440... गाने पे दीपिका की रिएक्शन हाँ, मतलब वो गाना सुन के उसकी रिएक्शन क्या थी पहले वो एक्चुअली कल ऑफिस आई थी uh, बॉस दिखा रहे थे गाना बॉस कैसा लगा भाभी को अच्छा बस वही अच्छा, <laughs> अच्छा लगा अच्छा लगा अच्छा लगा थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैम थैंक यू कैन वी प्लीज हैव अरुण फ्रॉम एनआई ऑन स्टेज ओह नहीं रे इधर है। तेरी शकल देखना चाहते हैं सब अरे ये ये एम्बिएंट म्यूजिक बंद करना अरुण के लिए मेरे पास थीम म्यूजिक है अरुण जी थीम म्यूजिक पे चल के आएंगे रेडी साइलेंस गोविंदा 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 करंट तो नहीं लगेगा ना समाज भाई तो हमें लगना चाहिए ने मैटर है वो जो रोहित जी वो जो सवाल दिया था वो ट्रेलर से पहले था ट्रेलर देखने के बाद बहुत सारे सवाल आ गए तो अच्छा। आप क्या चाहते हैं कि फिल्म से रिलेटेड होगा तो बता दूंगा तुझे पता है ओ हो हां उफ टेनिस मैच एक्चुअली मैं भी सवाल भूल गया हूँ क्या है भाई <laughs> 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 ये तू इधर ओके ओके। अब पूछ। सो रणवीर जी सवाल ये आप ही है कि सर्कस की शुरुआत हमारे मिस्टर शाहरुख खान जी ने की थी जी एंड आज वो हमारे इंडस्ट्री के किंग खान बन गए हैं जी नाउ आप भी सर्कस तक पहुंच गए हैं तो क्या आप भी किंग खान तक वो जर्नी कुछ बताना चाहेंगे अरे आज, आज के, के, के बोलना पूरा क्वेश्चन चेंज हो गया आज हाँ। आज किंग कान थोड़ी बने कितने सालों से वो किंग है uh, आपने मेरी शोभा बढ़ा दी मेरा नाम उनके साथ लेके उनके उनको देखकर तो हम ने कभी सोचा कि हम भी एक्टर बनेंगे हमारे आइडल हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन है हिंदी सिनेमा में इट इज वन ऑफ अ काइंड बस उनकी तरह जैसे उन्होंने प्यार कमाया है और प्यार बांटा है लोगों में उसका तीन का भी कर पाऊं तो मेरी लाइफ फुलफिल हो जाएगी अब मैं जाऊं भाई सवाल तो बहुत सारे हैं लेकिन आई थिंक हमें <laughs> पूछना दीपिका जी भी हैं इस फिल्म में रोहित जी दीपिका जी भी हैं तो जब से जब सेट पे ये दो आते थे टाइम पे आते थे सेट पे या फिर वो आप बताएंगे सवाल आपसे है कि मेरे सेट पे, पे <laughs> मेरे सेट पे कोई टाइम पे नहीं आएगा तुझे लगा रहा मेरे सेट पे पे टाइम टाइम भी आता है <laughs> <laughs> हम घर ही नहीं जाते wow, wow. <laughs> रोहित शेट्टी के सेट पे रणवीर वैन मिस होता था कैन वी प्लीज हैव राहुल फ्रॉम फिल्मी चर्चा ऑन स्टेज तो सर आप इधर से उधर इधर से उधर सबसे पहले तो पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं आग लगा दी आप सबने आग लगा दी आग लगा दी आग लगा दी आग लगा दी रोहित शेट्टी सर आपसे सवाल ये था कि आपके फिल्म को देख के आपके फिल्म में जो काम होते हैं उनको देख के लगता है सर आप टीम नहीं परिवार बनाते हैं सर क्योंकि बाकी फिल्मों में लगता है टीम खड़ी किया लोगों ने आप परिवार खड़ा करते हैं सर तो ये ये जो आपके जज्बा आता है आपके अंदर से, आप लोगों ने सत्तू सुपारी का कैरेक्टर संजय भैया ने पहली फिल्म जमीन की थी तब मैंने इनको बोला था कॉमेडी साथ में करते हैं है ना जी तब से है जॉनी भाई तब से है मेरी टीम जो एडीज है वो दस दस साल से चौदह चौदह साल से मेरे साथ में मेरी प्रोडक्शन टीम मेरे साथ 10 साल 14 साल से परिवार ही स्टार्टिंग से परिवार ही टीम है ही नहीं सर हाँ हाँ मतलब वही ना सारे तब से जब आप स्कूल में हो गए <laughs> हाँ सर बॉक्स ऑफिस के जनरेटर तो सर आप खुद थे ही और फिल्म में आपने रणवीर सिंह सर को जनरेटर बना दिया तो सवाल रणवीर सिंह सर से है कि आ, जनरेटर आप फिल्म में बन चुके हैं रियल लाइफ में एक अच्छा इंसान और एक अच्छा एक्टर के अलावा और कुछ बनने का मौका मिले तो क्या बन सकते हैं रियल लाइफ में भी जनरेटर है देखते नहीं कैसे मिलता है तुम लोगों को हा <laughs> और जनरेट करता हूँ मम्मी के आशीर्वाद से अंदर प्यार और बस बांटते रहता हूँ लोगों में बस प्यार का जेनरेटर बोल सकते हैं आप मुझे नहीं कुछ बनने का मौका मिले आपको तो एक अच्छा इंसान और एक अच्छा एक्टर के अलावा और क्या बन सकते हैं आप रियल लाइफ में ये तो फिल्म में जनरेटर बनाया आपने आ, ये सवाल अनिल से करते हैं पहले आप भी बता दीजिए उनके बाद अनिल जी अगर आप एक्टर नहीं होते तो आप क्या होते नहीं सवाल कुछ और था नहीं नहीं सवाल आपने घुमा दिया घुमा दिया सवाल आपसे अच्छा करेक्ट सवाल पूछता हूँ हाँ, हाँ, एक्टर के अलावा अगर आप और कुछ बनना चाहते नहीं, हैं बनने का मौका मिले बनने का मौका मिले जैसे आप क्या बनना चाहेंगे Just shut up. <laughs> आंसर आंसर दे दीजिए अच्छा अभी, अभी ये, ये दो बार जो बार्टअप हुआ है ये आपको फिल्म फिल्म में में पता चलेगा इसका कनेक्शन जनरेटर बन चुके रियल लाइफ की बात कर रहा हूं सर अच्छा सवाल अच्छा आंसर मिल सकता है अरे प्यार का जनरेटर यार जनरेट करो अपने अंदर से प्यार और बांटो लोगों में आप भी बनने की कोशिश कीजिएगा डीजे रणवीर बहुत ही अच्छा डीजे क्या बात बोल दी तूने पूज स्टार्टिंग जब वो सेट पे आता है तो कुछ गाना बजा के आता है और जाते जाते भी गाना बजा के अरे तेरे से बात कर रही है <laughs> अरे हाँ अरे बात तेरे से कर रही है ब्रो रणवीर सर से घूम के इधर बात बात कर रही दुरा दुरा लिए लिए बात कर रही रही थी मुझे लगा उनसे नहीं नहीं मेरे को हेल्प कर रही थी आंसर में और इसकी बात सही है अगर मैं एक्टर नहीं होता तो डीजे होता डीजे बहुत अच्छा आंसर दिया आपने मतलब लोगों को खुद पता नहीं होता मेरे बारे में भी लोग बता सकते मैं क्या बन सकता हाँ मैं बन सकता हूँ लेकिन इनको पता है ना जान पहचान है हमारी पास डीजे एलियस भी है आपको पता मेरा डीजे नेम क्या है डीजे दीनानाथ चौहान पूजा जी ने आपका हेल्प किया आप क्या बन सकते हैं हाँ? आप दीपिका जी के हस्बैंड हैं दीपिका जी क्या और क्या बन सकते हैं आप उनके बारे में बताइए थोड़ा क्या इसका इसका जवाब अरुण देगा अच्छी एक्ट्रेस के अलावा अच्छी इंसान के अलावा और क्या दीपिका जी बन सकते हैं क्या बीवी के बारे में कभी भी बोलना नहीं उससे पूछे बगैर मार पड़ेगी घर में मुझसे पूछ हाँ, हाँ। दे पाएंगे आंसर क्या दीपिका जी और क्या बन सकती वो तो दिपिगा दिपिगा जी बताएंगे ना ये कैसे बताएगा तो रणवीर सर का पूजा जी ने बता दिया ना दीपिका जी का दीपिका जी बताएंगे थैंक यू टीकू जी सब हमारे सीनियर एक्टर से कुछ कहना चाहेंगे जाने से पहले आप नीचे आओ ना आप लोगों को पता है कि कितने ने डीडी पे देखा है कि नहीं अपना टीकू जी और सुलभा मैम ने एक शो किया था बहुत लोग पैदा भी नहीं होंगे ये जो है ज़िंदगी साथ में कितने साल हो 40, 40, साल हो गए टीकू जी प्लस चालीस 40 साल पहले अभी कुछ कहना चाहेंगे आज क्या चल रहा है आप लोगों को बहुत मजा आया होगा हमारा ये ट्रेलर देखकर और हम यही चाहते हैं कि पास ऑन द गुड वर्ड एंड let people come to watch more films. और फिल्मों में अगर लोग आई I मीन mean, थिएटर में आना शुरू करेंगे तो सबके लिए अच्छा होगा हम सब के लिए भी अच्छा होगा और रोहित सर और श, और फिल्में बनाएंगे और मुझे ज़्यादा लेंगे थैंक यू वेरी मच जॉनी भाई जाने से पहले uh, कुछ कहना चाहेंगे आज का एक इवेंट परिवार के सब... ने एक अच्छा। परिवार के लिए फिल्म बनाई है जो रोहित के परिवार ने सो so, पूरे परिवार थिएटर में आके इस परिवार की फिल्म जॉनी भाई जाने से पहले कुछ कहना चाहेंगे ये इवेंट के बारे में कैसा लगा, 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 लगा तो रोहित शेट्टी जी अच्छी फिल्में बनाते हैं लेकिन ट्रेलर देख के आपको मैं जब से मैं देखा हूँ ट्रेलर अपने घर में जाके बोला अपनी बीवी से कहा बच्चों से कहा बेटा ट्रेलर जो भी देखेगा उसको मजा आएगा और ट्रेलर में मजा आएगा सोचो तो पिक्चर में कितना मजा आएगा ये तो इतना सा दिया है ट्रेलर में बहुत दिल से फिल्म बनाते हैं और मैं आपको बताऊं रणवीर सिंह इस फिल्म में बिल्कुल हटके लगेंगे आपने एक्सप्रेशन देखे होंगे डिफरेंट रणवीर आपको बड़ा मजा आएगा और मुझे उम्मीद है साहब इससे बढ़ के बनाएंगे गाई। अच्छा एक आखिरी सवाल आजकल हर फिल्म में दो चीज आपको नजर ही आती है एक है तो सेंसर सर्टिफिकेट और दूसरा होता है टी सीरीज है ना तो भूषण जी कुछ कहना चाहेंगे थैंक यू रोहित भाई रोहित भाई के साथ भी आप वी हैव डन सो मेनी फिल्म्स इन म्यूजिक लेकिन पहली बार इन्होंने फिल्म में एसोसिएट किया है तो थैंक यू वेरी मच रोहित भाई एंड फिल्म इज ब्लॉकबस्टर इलेक्ट्रिफाइंग हिट आज से क्या बात है थैंक यू सर Stella. Thank you, thank, thank, you. you so thank, thank you so much thank you so much